हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के एग्जाम क्रैकर। दिस इज़ विष्णु दत्त शर्मा और मैं एक बार फिर से अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए जो हमने कंप्यूटर अवेयरनेस के 100 जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो कलेक्ट किए हैं, उसका भाग दो लेके आया हूँ। देखिए, हम पहले पार्ट में जो 50 क्वेश्चंस पहले डिस्कस कर चुके हैं और जो बाकी के 50 क्वेश्चंस बचे हैं वो हम इस भाग में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 जो आज का पहला क्वेश्चन है, देखते हैं। ए प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स ए यूजफुल टास्क वाइल सिमल्टेनियसली अलाउइंग डिस्ट्रक्टिव एक्ट्स इज। एक ऐसा प्रोग्राम जो किसी काम को करता है, जो ज़रूरी काम है, किसी काम में आता है, और लेकिन साथ ही साथ जो डिस्ट्रक्टिव एक्ट्स, जो हमारे जो विध्वंसक या जो भी डिस्ट्रक्टिव होते हैं, डिस्ट्रक्शन करते हैं प्रोग्रामिंग में, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, वो ये भी करता है साथ ही साथ। तो इसका नाम बताना, तो वो है ट्रोजन हॉर्स। जो ट्रोजन हॉर्स नाम का प्रोग्राम है, ये हमारे काम के साथ साथ ये डिस्ट्रक्शन भी ज़्यादा करता है अंदर कंप्यूटर सिस्टम में, वायरस की तरह एक्ट करता है ये। तो ये नाम है इसका ट्रोजन हॉर्स। द ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ डिवाइसेज ऑन द नेटवर्क। जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम्स का नेटवर्क्स है जिसमें कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, तो जो अरेंजमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? तो ये कंप्यूटर की भाषा में टोपोलॉजी बोलते हैं, कंप्यूटर टोपोलॉजी। जो अलग अलग कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं किस पैटर्न में हो, तो नेटवर्क के अंदर, तो उसको टोपोलॉजी बोलते हैं। द बेसिक गोल ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस इज टू कन्वर्ट डाटा इनटू। जो बेसिक जो हमारा एम होता है कंप्यूटर प्रोसेसिंग में, प्रोसेसिंग की प्रोसेस में, जो वो डाटा को किस में, इंफॉर्मेशन में, जो हमारे पास रॉ होता है, कलेक्ट होता है डाटा, उसको डाटा बोलते हैं हम। लेकिन जो वैल्यूएबल है, जो उसमें से जो हमारा यूजफुल डाटा है, उसको हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। तो डाटा को इंफॉर्मेशन में कंप्यूटर प्रोसेसिंग के द्वारा कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट, वेयर आर CPU एंड मेमोरी लोकेटेड। जो हमारी मेमोरी होती है, जहाँ चीज़ें स्टोर होती हैं, और जो CPU है, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है कंप्यूटर की, वो कहाँ पर स्थित होते हैं? तो वो मदरबोर्ड नाम की जो चिप होती है उस पर CPU और जो CPU की जो चिप है और जो मेमोरी है वो वहाँ पर होती हैं। हु इज़ नोन एज द फाउंडर ऑफ IBM कंपनी। जो USA की एक सॉफ्टवेयर कंपनी है IBM, उसके फाउंडर का नाम पूछा गया है। जो IBM है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, उसके फाउंडर हैं थॉमस जे वाटसन, याद रखेंगे थॉमस जे वाटसन। नेक्स्ट, एन इमेज ऑन ए कंप्यूटर। जो हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर हम इमेज देखते हैं वो मेड अप ऑफ किस चीज़ की बनी होती है? वो पिक्सल्स, ओके, जो छोटे छोटे डॉट्स होते हैं उनसे मिलके वो बनी होती है, उनको पिक्सल्स बोलते हैं। फुल फॉर्म ऑफ मैन, ये एक नेटवर्क का टाइप है मैन, जिसका फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जो हमारा बड़े बड़े जो महानगर होते हैं उनका जो नेटवर्क कनेक्ट होते हैं कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क में, उसको मैन बोलते हैं, जो कि बड़े साइज के महानगरों में यूज होता है ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। विच कमांड इन डोस, जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमने पहले भी देखा था ये पहले भाग में भी, जो कंप्यूटर सिस्टम का डोस है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, कैन बी यूज टू रिकवर एक्सीडेंटली डिलीटेड फाइल्स। तो उसमें कौन सी कमांड है, जो कमांड पूछी गई है, कौन सी कमांड यूज करते हैं जो हमारी गलती से एक्सीडेंटली जो डिलीट हो गई फाइल्स हैं उनको रिकवर करने के लिए, उनको दोबारा से लाने के लिए? तो वो होती है अनडिलीट। अनडिलीट नाम की कमांड यूज होती है डोस में। इन विच ईयर, कौन से साल में, दी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, जो माइक्रोसॉफ्ट की जो बहुत ही जो कंप्यूटर बनाए थे सबसे पहले जिसने, माइक्रोसॉफ्ट, जिसके हमारे बिल गेट्स जी फाउंडर हैं, वो कौन से साल में शुरू हुई? वो हुई 1975 में। नेक्स्ट पूछा गया, एक कंप्यूटर का प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स एन इंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज एट वन टाइम। पूछा गया ऐसा कौन सा प्रोग्राम है, जो पहले भी देख चुके हैं हम इस क्वेश्चन को, ओके, जो पूरे प्रोग्राम को एक साथ ही, जो प्रोग्राम है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जो उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, पूरे प्रोग्राम का जो डाटा है उसको मशीन लैंग्वेज में एक साथ पूरा, वो होता है कंपाइलर, याद रखेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम दैट ऑर्गेनाइज एंड यूज ए ग्राफिक डेस्कटॉप इन्वायरमेंट। जो डेस्कटॉप इन्वायरमेंट है हमारा, उसको कौन सा, जो पर्सनल कंप्यूटर जो हम घरों में यूज करते हैं, वो जो
वो ऑर्गेनाइज करता है उसको, एक सिस्टम से रखता है, वो है विंडोज़, जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। व्हाट आर लाइट पेन एंड जॉयस्टिक? लाइट पेन और जॉयस्टिक क्या है? ये हैं हमारी इनपुट डिवाइसेज, जिनसे हम इनपुट डालते हैं जो कंप्यूटर में। लाइट पेन जैसे माउस की तरह होता है, ये भी होता माउस की तरह, पर इसका एक एक्स्ट्रा फीचर होते हैं, जैसे जो कंप्यूटर में गेम्स वगैरह खेलते हैं हम, गेमिंग में, उसमें ये कंट्रोल, जो कंट्रोल्स होते हैं, हमें कंट्रोल करना होता है गेमिंग खेलते टाइम, उसकी तरह यूज होता है जॉयस्टिक। है दोनों इनपुट डिवाइसेज। व्हाट इज हाफ बाइट कॉल्ड? हाफ बाइट होती है, जो उसको एक टर्म दी जाती है निबल। देखिए, जो एक बाइट होती है उसमें होते हैं 8 बिट, 8 बिट्स होती हैं, पर जो हाफ बाइट होती है उसमें 4 बिट होंगे, और उसको एक टर्म दी जाती है निबल। फुल जो बाइट होती है वो तो एक एक बाइट होगी, उसमें 8 बिट होते हैं और 4 बिट होती हैं एक निबल में। SMPS स्टैंड्स फॉर, SMPS की फुल फॉर्म पूछी गई है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ओके, SMPS की फुल फॉर्म स्विच्ड मोड पावर सप्लाई क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉनिक पावर सप्लाई होती है, दैट इनकॉर्पोरेट्स ए स्विचिंग रेगुलेटर टू कन्वर्ट इलेक्ट्रॉनिक पावर एफिशिएंटली। जो इलेक्ट्रॉनिक पावर को जो हम लेते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, उसको एफिशिएंटली यूज करने के लिए SMPS यूज होता है, जो स्विच्ड मोड पावर सप्लाई है। व्हाट डू वी यूज टू चेंज द अपीयरेंस एंड पोजिशनिंग ऑफ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड? जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, जो उसमें हम जो टेक्स्ट होता है जो लिखते हैं हम, उसकी जो शेप है और उसकी पोजीशन है, उसको चेंज करने के लिए कहाँ पे क्या यूज करते हैं हम, तो वो है फॉर्मेटिंग टूल बार। जो फॉर्मेटिंग टूल बार का ऑप्शन है वो यूज करते हैं। नेक्स्ट, अप्रोक्सीमेटली ए मिलियन बाइट्स इज कॉल्ड। जो मिलियन बाइट्स हैं उनको अप्रोक्सीमेटली क्या टर्म दी जाती है? वो है मेगा बाइट। जो मेगा है वो 10 की पावर 6 के इक्वल होता है, जो कि 1 मिलियन बाइट के लगभग होता है, तो मेगा बाइट बोलेंगे इसको। डेजी व्हील, ड्रम, चेन, ये सब किस चीज़ के नाम है? ये है प्रिंटर्स, डेजी व्हील प्रिंटर्स के टाइप होते हैं, डेजी व्हील प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर्स, चेन प्रिंटर्स, ये प्रिंटर्स के नाम है। XML स्टैंड्स फॉर, पूछा गया XML जो है ये क्या फुल फॉर्म है इसकी? इसकी फुल फॉर्म है एक्सटेंडेबल मार्कअप लैंग्वेज। जो हमारी, जैसे कि ये HTML होता है, जैसे उसकी तरह एक लैंग्वेज है जो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं, जो टू क्रिएट इंफॉर्मेशन फॉर्मेट्स एंड शेयर डाटा इलेक्ट्रॉनिकली वाया इंटरनेट। जो इंटरनेट पे हम डाटा वगैरह एक्सचेंज करते हैं, तो इस स्टैंडर्ड में होता है ये। व्हाट टाइप ऑफ स्कीम इज HTTP प्रोटोकॉल? अब पूछा गया HTTP प्रोटोकॉल कैसी स्कीम है, तो ये एक है रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स टाइप की स्कीम है, जिसमें जो यूजर होते हैं हम होते हैं, जैसे यूज करते हैं जो कंप्यूटर को चलाते हैं, उसमें वो रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और रिस्पॉन्स देते हैं, जो सर्वर होता है हमारा वो उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स देता है। मैग्नेटिक डिस्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो मैग्नेटिक डिस्क होती है स्टोरेज डिवाइसेज जो कंप्यूटर पे लगी होती है, वो किस टाइप की है? वो है सेकेंडरी मेमोरी। ओके, उन पे हम जो अलग से उनको कंप्यूटर में अटैच कर सकते हैं और उनमें सेव कर सकते हैं डाटा। नेक्स्ट, व्हाट इज मीनिंग ऑफ OSI? जो ऑपरेटिंग OSI है उसका, जो कंप्यूटर्स में OSI मॉडल यूज होता है उसका पूछा गया है फुल फॉर्म, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओके, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल होता है ये, जो कंप्यूटर नेटवर्क्स का सिस्टम होता है उसमें ये हम मॉडल यूज करते हैं। विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइसेज बायोस? बायोस है जो, जिसकी फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? ये है प्राइमरी डिवाइस, जो कंप्यूटर से हम अलग नहीं कर सकते, जो कंप्यूटर में ही सेव होता है डाटा, उस टाइप की डिवाइस है। व्हाट इज एक्सटेंशन टाइप ऑफ एक्सेल 2007 फाइल्स? जो एक्सेल 2007 का जो हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसमें कौन सी एक्सटेंशन होती है यूज, जो फाइल सेव करते हैं तो उसमें होती है .xlsx, ये फाइल्स के साथ लिखा होता है। नेक्स्ट, कलेक्टिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड इफेक्टिवली पोजिंग एज अनदर इंडिविजुअल इज नोन एज। किसी की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और उसकी तरह ही अपने आप को शो करना, ये क्या होता है? इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट। जो आइडेंटिटी थेफ्ट है, किसी की जो आइडेंटिटी को चोरी करना बोलते हैं इसको। द अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस बिटवीन लाइन्स ऑफ टेक्स्ट इन ए डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। जो वर्टिकल, जो एक पेज पे जो डॉक्यूमेंट है
ऐसे वर्टिकली जो स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लाइन स्पेसिंग। अगर वर्टिकली लाइन स्पेस देते हैं तो उसको बोलेंगे लाइन स्पेसिंग। ओके हम नेक्स्ट देखते हैं। ए कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ़ इट डज नॉट हैव, अगर कंप्यूटर की जो बूटिंग प्रोसेस होती है स्टार्टिंग में वो नहीं होगी, अगर क्या नहीं है इसमें, तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद नहीं है जो ऑपरेटिंग जो बूटिंग की प्रोसेस करता है, उसके बिना हम कंप्यूटर की बूटिंग प्रोसेस नहीं होगी। ओके व्हाट इज अदर नेम ऑफ प्रोग्राम्ड चिप, जो प्रोग्राम चिप होती है हमारी कंप्यूटर के अंदर उसका दूसरा नाम क्या है, उसका दूसरा नाम है LSIC, जो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप्स बोलते हैं। ए नॉर्मल CD-ROM, जो हम CD-ROM यूज करते हैं कंप्यूटर में, CDs की यूज करते हैं, यूजुअली कैन स्टोर अप टू हाउ मच डाटा, तो वो नॉर्मल जो CD-ROM होती है वो 680 MB, 1 GB से भी बहुत कम, 680 MB तक डाटा स्टोर कर सकती है। व्हाट डज DMA स्टैंड फॉर, कंप्यूटर में DMA क्या होता है, ये होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। जो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस होता है इसमें क्या होता है, फीचर ऑफ कंप्यूटर दैट अलाउ सर्टेन हार्डवेयर सिस्टम्स टू एक्सेस मेन सिस्टम, जो कंप्यूटर की रैम होती है, मेन सिस्टम की रैम, उसको एक्सेस करने के लिए ये कंप्यूटर में यूज होता है, प्रोग्राम होता है, जो फीचर होता है कंप्यूटर का। फिर पूछा गया फुल फॉर्म ऑफ लैन, जो लैन नेटवर्क यूज करते हैं हम छोटे एरिया के लिए, उसकी फुल फॉर्म, उसकी है फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क, जो छोटे एरिया ऑफिस टाइप, जैसे कोई ऑफिस है उसमें कंप्यूटर्स का नेटवर्क है जो उसको कंट्रोल करने के लिए लैन सिस्टम यूज होता है। ASCII स्टैंड फॉर, ASCII जो स्टैंडर्ड कोड है अमेरिका का, उसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। ओके तो इसकी फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जो ASCII की फुल फॉर्म है। ये 7 बिट का कोड होता है जिसमें 7 बिट में 2 की पावर 7 128 करेक्टर्स होते हैं, पर अभी आजकल जो जनरली है वो एक्सटेंडेड ASCII आने लगा है कोड, जिसमें 8 बिट्स भी होते हैं, जिसमें 8 बिट में कितने होंगे, 256 करेक्टर्स। ओके सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स वर डेवलप्ड ड्यूरिंग, पूछा गया जो सेकेंड जनरेशन के, सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स आए फिर सेकेंड के, तो सेकेंड के किस टाइम पे, किस ड्यूरेशन में यूज किए गए, तो ये 1956 से 1965 तक, इस ड्यूरेशन में हमारा सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स यूज होते थे। When did Arch rivals IBM and Apple Computers Incorporation decide to join hands? पूछा गया कौन से साल में जो IBM है सॉफ्टवेयर की कंपनी और Apple Computers है, उन्होंने अपना जो ये एक कंपिटिटर्स थे जो पहले, इन्होंने इकट्ठा होने का काम, जो ज्वाइन करने का डिसाइड कब किया, तो ये 1991 में दोनों कंपनीज इकट्ठा होने का इन्होंने डिसाइड किया, इकट्ठा कोलेबोरेट हुए। वट काइंड ऑफ मेमोरी इज बोथ स्टैटिक एंड नॉन वोलेटाइल, पूछा गया ऐसी मेमोरी कौन सी है जो स्टैटिक भी है, स्थिर है, जो चेंज नहीं होती, और नॉन वोलेटाइल यानी जिसको मान ले पावर सप्लाई अगर चली जाती है तो भी उसको रिकवर किया जा सकता है। ओके तो वो होती है रोम, जो रीड ओनली मेमोरी होती है कंप्यूटर में वो होती है ये। एन एरर इन ए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इज कॉल्ड ए बग, जैसे हमें पता है बग बोलते हैं हम किसी भी एरर को, जो सॉफ्टवेयर में कंप्यूटर सिस्टम में, कंप्यूटर की भाषा में एरर को बग बोलते हैं। व्हाट इज अल्टरनेटिव नेम कंप्यूटर जार्गन फॉर इट, तो इसका अल्टरनेटिव नाम पूछा गया, तो इसका अल्टरनेटिव नाम है, दूसरा नाम है ग्लिच। ओके बग को हम एरर को ग्लिच भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट अनवांटेड रिपीटियस मैसेजेज, जो बिना जो अनवांटेड होते हैं, हमारी ज़रूरत के नहीं होते हैं और बार बार रिपीट होते हैं ऐसे मैसेज, सच एज अनसोलिसिटेड बल्क ईमेल, जैसे कि ईमेल होते हैं जो, तो पूछा गया वो कहाँ पे, उनको क्या बोलते हैं और कहाँ पे सेव होते हैं, वो बोलते हैं स्पैम। देखा भी होगा हमने हमारे जो ईमेल होते हैं जो जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती वो स्पैम नाम के फोल्डर में सेव होते हैं, तो उनको स्पैम बोलते हैं हम। कॉमन नेम फॉर क्राइम ऑफ स्टीलिंग पासवर्ड, जो पासवर्ड चोरी करते हैं लोग, इसको क्या नाम दिया जाता है, स्पूफिंग, जो स्पूफिंग की प्रोसेस है, नाम है जो ये, जो लोग हमारे पासवर्ड्स हैं जो जो भी हम सेव करते हैं पासवर्ड्स, हमारे डॉक्यूमेंट्स को सेव करते हैं हम, जो जो पासवर्ड्स चोरी हो जाते हैं उसको प्रोसेस को बोलते हैं स्पूफिंग, स्पूफिंग की जो प्रोसेस है। फिर है बायोस, बायोस स्टैंड्स फॉर, बायोस है जो हमारे कंप्यूटर का जो
ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोग्राम है वो उसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। तो इसकी फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। हु इज रिगार्डेड एज ए फादर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो हमारी सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग में जो एक हाई लेवल लैंग्वेज है सी नाम की, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसको पूछा गया उसका फादर कौन है, उसको किसने डिस्कवर किया। वो है डेनिस रिची, डेनिस रिची जी फादर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। विच कैन बी ट्रीटेड एज द वेटिंग रूम फॉर द कंप्यूटर्स प्रोसेसर, जो कंप्यूटर का सीपीयू है प्रोसेसर है उसके लिए वेटिंग रूम किसको बोलेंगे, तो वह रैम, कंप्यूटर की रैम होती है जो रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसको हम वेटिंग रूम बोलेंगे। नेक्स्ट है कंप्यूटर्स मैनिपुलेट डाटा इन मैनी वेज, कंप्यूटर जो है डाटा को बहुत ही फॉर्म्स में जो है अलग अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो पूछा गया है दिस मैनिपुलेशन, जो मैनिपुलेशन की प्रोसेस है इसको क्या बोलेंगे, तो ये होता है प्रोसेसिंग। ओके, मेनली कंप्यूटर प्रोसेसिंग बोलते हैं इसको। जोशी परफ्यूम्स आर एग्जांपल्स ऑफ, जो जोशी नाम का है परफ्यूम्स नाम से है, ये किस चीज़ के एग्जांपल है, तो ये कंप्यूटर की भाषा में हम कंप्यूटर वायरसेज के नाम है, जोशी है परफ्यूम है, ये सब कंप्यूटर के जो वायरस हैं उनके नाम है। The ability to recover and read deleted or undamaged data from a criminal's computer, जो criminals होते हैं अपराध वगैरह करते हैं, अपराधी होते हैं, उनके computer से जो हम उनका जो delete हुआ data recover करते हैं, is an example of law enforcement specialist। तो इसको क्या बोलते हैं, जो हम data recover करते हैं तो इस branch को या इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं computer forensic, जो computer forensic का department है वो करता है ये सब, जो अपराधी है उनके कंप्यूटर से डाटा को रिकवर करना, तो इसको कंप्यूटर फोरेंसिक की प्रोसेस या ये डिपार्टमेंट होता है, इसको ये कंप्यूटर फोरेंसिक बोलते हैं। वेयर डज मोस्ट डाटा गो फर्स्ट विद इन ए कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की, जो हम डाटा कंप्यूटर में डालते हैं सबसे पहले कहाँ पर जाता, तो ये जो रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी उसमें सबसे पहले डाटा जाता है। हेल्प मेनू इज अवेलेबल एट विच बटन, जो हेल्प मेनू है कौन से बटन पर होता है, जो स्टार्ट बटन, जो हम शुरू में स्टार्ट बटन प्रेस करते हैं कंप्यूटर विंडो, जो स्क्रीन पे स्टार्ट बटन आता है उसमें हेल्प मेनू का बटन जो ऑप्शन है वो मौजूद होता है। विच फाइल कंटेंस परमानेंट डाटा एंड गेट्स अपडेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, जो हम कंप्यूटर पर प्रोग्रामिंग करते हैं, मतलब जो प्रोसेसिंग होती है कंप्यूटर्स की प्रोग्राम की, तो कौन सी फाइल होती है जिसमें जो परमानेंट डाटा जाता है और वो अपडेट होता जाता है, वो होता है मास्टर फाइल, ऐसी फाइल को मास्टर फाइल बोलते हैं। ए डीवीडी इज एन एग्जांपल ऑफ, डीवीडी है जो किस तरह की डिवाइस का एग्जांपल है, ये एक ऑप्टिकल डिस्क का एग्जांपल है, जो डीवीडीज हम यूज करते हैं कुछ भी स्टोर वीडियो या ऑडियो स्टोर करने के लिए, तो ये डीवीडी की फुल फॉर्म भी देख लेते हैं, ये होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डीवीडी स्टैंड्स फॉर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, और ये एक ऑप्टिकल डिस्क है, ऑप्टिकल फाइबर की डिस्क है। विच इज़ द मोस्ट कॉमन टूल यूज टू रेस्ट्रिक्ट एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम्स, जो कंप्यूटर सिस्टम्स तक हमारी पहुँच है उसको रेस्ट्रिक्स करने के लिए, मान लें कोई भी उसको, मतलब हमारा जो प्रोग्राम है या फाइल है हमारी, कोई भी उसको ना देख पाए, रेस्ट्रिक्शंस लगा दें हम उस पर, तो क्या यूज होता है इसके लिए, हम पासवर्ड्स यूज करते हैं, हम अपना पासवर्ड बना देते हैं और वो यूज करते हैं ताकि वो दूसरों की पहुंच तक ना जाए हमारी फाइल। द टेक्नोलॉजी दैट स्टोर्स ओनली इसेंशियल इंस्ट्रक्शंस ऑन ए माइक्रो प्रोसेसर चिप, जो हमारा प्रोसेसर चिप होती है उस पर ऐसी टेक्नोलॉजी का क्या नाम है जो सिर्फ इसेंशियल इंस्ट्रक्शंस, जो ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हीं को सेव करती है, दस इंसेंसी, और जो इससे हमारी जो अनवांटेड जो इंस्ट्रक्शन होती है वो इसमें नहीं आती और जो प्रोसेसिंग स्पीड भी बढ़ जाती है, तो ये है रिस्क, इसका नाम है रिस्क। रिस्क की फुल फॉर्म है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, यानी कि बहुत ही कम इंस्ट्रक्शंस होगी हमारी जो बिल्कुल ज़रूरी है, तो ये इस टेक्नोलॉजी का नाम रिस्क है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ एन एप्लीकेशन प्रोग्राम, एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो हम कंप्यूटर में यूज करते हैं उसका नाम पूछा गया है, वो क्या करता है, दैट गैदर्स यूजर इंफॉर्मेशन एंड सेंड इट टू समवन थ्रू द इंटरनेट, जो किसी भी यूजर की, किसी भी दूसरे यूजर की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और इंटरनेट के थ्रू कहीं दूसरे यूजर को भेज देता है, तो इसको, इस एप्लीकेशन प्रोग्राम को क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं स्पाई बोट। ओके, याद रखेंगे स्पाई बोट नाम का प्रोग्राम है, जो कि एप्लीकेशन प्रोग्राम है, जो जिसके थ्रू हम दूसरों की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके किसी और दूसरे आदमी को
इंटरनेट पे भेज सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो ये जो कंप्यूटर के जो 100 क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जो जो भी कोई भी कंप्यूटर जो कोई भी जो कंपटीशन एग्जाम्स है जैसे SSC का है, CGL है, रेलवे है, तो इनमें सभी में कंप्यूटर्स के 5 से 10 क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे ये क्वेश्चंस। ओके, अगर आपको ये वीडियोज़ पसंद आती हैं तो आप वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और हम और भी ज़्यादा अच्छी वीडियो तैयार करेंगे आपके लिए। ओके, देखिए बाकी जो इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी आप वहाँ से डायरेक्ट लिंक ले सकते हैं और वो वीडियोज़ देख सकते हैं। ओके, तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ हमारे चैनल को फॉलो करें, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन बना है सब्सक्राइब के साथ में ही उसको प्रेस जरूर कर लें, उससे आप हमारे वीडियोज़ का जो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके, थैंक यू।